Hello everyone and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. So let's crack JEE. Before starting, let me introduce myself. My name is Rahul Yadav and I've completed my BTech from NIT Jalandhar in branch Mechanical Engineering in the year 2018. And since then, I'm teaching students like you who are preparing for JEE in one of the renowned institutes of our country. तो सबसे पहले बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। तो सबसे पहले बता दो, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और अगर आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते तो आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस, और वो भी इंडिया के टॉप फैकल्टीज का, ठीक है। और मैं आपको और फायदे बता देता हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन के, क्या क्या आपको मिलेगा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का। तो सबसे पहले डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस में आपको अपने टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, आपको उससे साथ डिस्कस करने का मौका मिलेगा, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने का मौका मिलेगा। इवन जो टीचर क्वेश्चंस रेज कर रहा है या पोल्स रेज कर रहा है, आप उसमें भागीदार हो पाएंगे। आप उसमें जैसे नॉर्मल क्लास में हम आंसर करते हैं, वैसे ही आप उसमें भी आंसर कर पाएंगे। तो आपको एक तरह से घर बैठे बैठे क्लासरूम का जैसा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। तो अनअकैडमी आपके लिए रेगुलर इंटरवल्स पे टेस्ट और क्विजेस रखते रहेगा। तो बेसिकली आपकी प्रिपरेशन तब तक बेमायने रहती है जब तक आपको पता नहीं चलता कि आप इतनी भीड़ में कहां स्टैंड करते हैं। हर साल 10 लाख बच्चे तैयारी करते हैं जेईई की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक सही चल रही है, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो क्या है और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ टेस्ट अगर आप दोगे रेगुलर इंटरवल्स पे तो आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा कि कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं एंड कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ताकि आप अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सको। उसके बाद है जो कोर्स अनअकैडमी में स्ट्रक्चर्ड है, वो इतना वेल मैनेज स्ट्रक्चर है कि आपको लिंक बाय लिंक एक एक चैप्टर में मिलते जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज हमें पहले पढ़नी चाहिए थी और ये चीज बाद में जो है पढ़ाई जाएगी, या फिर जो अभी यूज आने की है वो बाद में पढ़ाई जाएगी। इतना वेल मैनर्ड कोर्स है कि आपको कभी भी पूरे करिकुलम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चाहे आप फिर बिटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो जेईई की, या फिर इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे के सारे कोर्सेस अनअकैडमी पे बहुत ही ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल प्लान्ड है। इसके बाद आता है आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन से आपको मिल जाता है अनलिमिटेड एक्सेस लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, वो भी इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज का। और आप चूज कर सकते हैं आप किस फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं एंड किस वक्त पे पढ़ना चाहते हैं, तो है ना। तो आप वेट मत कीजिए, जाइए प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 12th मंथ के लिए सब्सक्राइब करें। देखिए, एक साल की तो प्रिपरेशन चाहिए ही होगी आईआईटी के लिए, 2-3 महीने में प्रिपरेशन नहीं हो पाती, ठीक है। तो एक साल की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो जो कोर्स का फी है वो है 30,000, बट अगर आप कोड यूज करेंगे RYD1 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और जो है इफेक्टिव आपकी जो फी हो जाएगी वो हो जाएगी 27,000, ठीक है। और जो अगर आप अभी अभी 11th में आए तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये 24 मंथ्स के कोर्स के लिए जाइए। 2 साल आप जम के मेहनत करें, आपको सारे के सारा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, रेगुलर मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी में कोई भी चूक नहीं रहेगी। और ये कोर्स आपको मिलता है वैसे तो 36,000 पे, पर अगेन अगर आप कोड यूज करेंगे RYD1 तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा और इफेक्टिव प्राइस हो जाएगी इसकी 32,400। तो जाइए और सब्सक्राइब करिए IIT JEE के कोर्स के लिए फॉर इन अनअकैडमी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम जो आज अपना टॉपिक है, हम ट्राई करेंगे कि हम 3D का पूरा चैप्टर, वेक्टर एंड 3D का सेकंड पार्ट जो आता है 3D का हम वन शॉट रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर हम 3D की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है लाइन, ठीक है। लाइन में हमें सबसे पहले लिखनी होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब पहली फॉर्म आती है अपने पास, अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ हो जिसका पोजिशन वैक्टर है ए वैक्टर, एंड बी वैक्टर आपको दिया हुआ हो डायरेक्शन ऑफ लाइन या डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन, ठीक है। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन से मतलब मेरा यह है कि बी वेक्टर जो है वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो गिवन लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होगा, ठीक है। और ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट थ्रू विच लाइन पासिस, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहें तो वो अपने पास आ जाती है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर,
ठीक है। वहीं अगर ये तो पूरा हो गया वेक्टर फॉर्म में, अगर हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो हम कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, लेट्स से पॉइंट है अपने पास x1 y1 z1, इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, ठीक है, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन आती है बेटा, वो आती है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, एंड उसको आप किसी भी एक वैल्यू लैम्डा के इक्वल कह सकते हैं। तो अगर आपको जनरल पॉइंट लिखना हो, जनरल पॉइंट ऑन लाइन, तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा ए लैम्डा प्लस एक्स वन, y की वैल्यू b लैम्डा प्लस y1, एंड c की z की वैल्यू c लैम्डा प्लस z1, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी जनरल पॉइंट अज्यूम करना हो लाइन पे तो आप उसको इस तरह से अज्यूम करेंगे। तो ये था फर्स्ट आपका फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जहां आपको एक पॉइंट दिया हो जिससे लाइन पास हो रही हो, एंड एक आपको वेक्टर दिया हो पैरेलल टू द लाइन, या फिर मैं कहूं आपको डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन दिया हुआ हो। अब सेकंड टाइप आती है कि अगर आपको पॉइंट, दो पॉइंट दे रखे हो जिससे लाइन पास हो रही है, लेट से ए वेक्टर है आपके पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, जिसका आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ बी वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और आपको इस लाइन की अगर इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, देखिए बेसिकली लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो पॉइंट चाहिए होता है, सेकंड चाहिए होता है हमें डायरेक्शन वेक्टर। तो पॉइंट तो अपने पास दो दो है, पर डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन वेक्टर अगर हम बी माइनस ए वेक्टर कर दे तो अपने पास डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन वेक्टर अगर हम कर दें तो ये टू पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है आ जाती है। तो ये तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। अगर आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो वो आ जाएगी आपके पास x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन, एंड अगेन इसको भी आप किसी एक वैल्यू लैम्डा के इक्वल ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी दो पॉइंट दिए हो x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 जिससे लाइन पास हो रही हो, तो अगर उसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है तो आप a वेक्टर ले लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a, आप b वेक्टर ले लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b। तो इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं, एंड नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन लिखनी तो आ जाएगी x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट चीज अपने पास आती है वो आती है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो लेट से आपको दो लाइन कुछ इस तरह से गिवन है, पहली लाइन है r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, ये आपके पास पहली लाइन है। सेकंड लाइन आपको गिवन है r इज इक्वल टू लेट से c वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। तो बेसिकली अगर हमें दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो हम उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो यहां से अपने पास जो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल आ जाएगा, एक्यूट एंगल हमें मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ठीक है। इसका पूरे का हम मॉड ले लें, अगर हम b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 लिखते हैं एंड इसका पूरे का मॉड ले लेते हैं, तो जो cos थीटा की वैल्यू आएगी वो अपने लिए उस एंगल के लिए cos थीटा की वैल्यू आएगी जो एक्यूट एंगल होगा इन दोनों लाइन के बीच का, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म में, ये तो हो गई आपके पास वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको इक्वेशन दी हुई हो कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे कि आपको दिया हुआ है पहली लाइन एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन, ये हो गई आपकी लाइन लाइन वन की इक्वेशन। एंड लाइन टू की इक्वेशन आपको इस तरह से दी हुई है एक्स माइनस लेट से एक्स डैश बाई एट बाई ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई डैश बाई बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड डैश बाई सी टू। तो अगर आपको इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल देना तो cos थीटा आपके पास आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, एंड फाइनली अगर आप इसका मॉड ले लेंगे तो आपको एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस मिल जाएगा।
अब यहां से दो चीजें आती है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, इफ एल वन एंड एल टू आर परपेंडिकुलर, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हुई तो इसका मतलब क्या आएगा अपने पास, बी वन डॉट बी टू अपने पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जो है आपके पास जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ एल वन एंड एल टू आर पैरेलल, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो बेटा इनके जो डायरेक्शन वेक्टर्स होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि b1 जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 होगा, और हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं a1 by a2 will be equal to b1 by b2 will be equal to c1 by c2। तो ये जो कंडीशन है बेटा परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस के लिए आ जाती है। ठीक है, और ऊपर जो हमने निकाला वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म में एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली उन दोनों के जनरल पॉइंट्स को हम कंपेयर कर देंगे। एक लाइन पे जनरल पॉइंट हम निकालेंगे, दूसरी लाइन पे हम जनरल पॉइंट निकालेंगे, अगर हम दोनों को कंपेयर करके हम वैल्यूज निकाल लें तो अपने को जनरल पॉइंट मिल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, जैसे कि आपके पास है पहली लाइन x माइनस थ्री बाई माइनस वन इक्वल टू वाई बाई वन इक्वल टू जेड बाई वन, ये तो आपके पास है लाइन वन, एंड लाइन टू आपके पास है बेटा x माइनस वन बाई वन इक्वल टू वाई माइनस वन बाई जीरो इक्वल टू जेड बाई वन। आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जनरल पॉइंट लेंगे इस लाइन पे, इस लाइन पे जनरल पॉइंट आ गया अपने पास माइनस लैम्डा प्लस थ्री कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा। इस लाइन पे अगर हम जनरल पॉइंट लिखे तो बेटा ये अपने पास आ जाएगा म्यू प्लस वन कॉमा वन कॉमा म्यू। अब आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर कर देना है। बेसिकली अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये जो जनरल पॉइंट है इसका वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पे अगर हम वैल्यूज निकाल दें यहां से, तो माइनस लैम्डा प्लस थ्री इक्वल टू म्यू प्लस वन, ये फर्स्ट इक्वेशन आती है। सेकंड इक्वेशन से आपके पास आता है लैम्डा इक्वल टू वन, एंड थर्ड इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। तो अगर आप सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू वन इक्वल टू म्यू जो है आ चुका है। बेटा अभी आंसर आपका यही खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको चेक करना है कि ये जो आपने वैल्यूज निकाली है ये सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही इक्वेशन वन को भी। अगर ये सेटिस्फाई करती है तो लाइंस इंटरसेक्ट करती है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो देखिए लैम्डा की हमने वैल्यू डाली तो ये आ गई अपने पास माइनस वन प्लस थ्री, दैट इज टू, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास टू आ गई, राइट हैंड साइड भी अपने पास आ गई वन प्लस वन दैट इज टू, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप या तो ये भी ले सकते हैं और आप या तो ये भी ले सकते हैं, इसमें म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और इसमें लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर बेटा अगर हमने जैसे सेकंड और थर्ड इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो अपनी लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अपनी लाइंस जो है स्क्यू लाइंस हो जाएंगी। इज इट क्लियर? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है पॉइंट एंड अ लाइन, एक पॉइंट एंड अ लाइन। ठीक है, तो पॉइंट एंड अ लाइन पे बेसिकली अपने पास तीन चार चीजें पूछी जाती है। सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर, नेक्स्ट अपने पास आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थर्ड अपने पास आता है इमेज ऑफ पॉइंट, एंड लास्टली अपने पास आता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, तो हम इसको इधर लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। तो ये चारों चीजें मैं बेसिकली आपको एक ही क्वेश्चन से कवर करके बता दूंगा, एक एग्जांपल हम लेते हैं और उस एग्जांपल से ये चारों चीजें हम कवर कर लेंगे। तो बेसिकली एग्जांपल आपके पास ये है कि आपके पास एक लाइन गिवन है, लाइन की इक्वेशन मैं लिख देता हूं x बाय टू, लाइन है आपके पास x बाय टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई फोर, एंड पॉइंट आपके पास है बेटा थ्री कॉमा माइनस वन कॉमा इलेवन। ठीक है, अब आपको इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, इमेज निकालना है और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है। तो सबसे पहले तो अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो हमने लेट से ये यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, ये 90 डिग्री होगा, तो हमने लेट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया ए डैश। ए डैश की हम जनरल पॉइंट अगर हम लाइन के हिसाब से लिखे तो आ जाएगी अपने पास टू लैमडा कॉमा थ्री लैमडा प्लस टू कॉमा फोर लैमडा प्लस थ्री। यस,
इसके बाद हमें पता, अगर हम ए ए डैश निकालें, वेक्टर ए ए डैश निकालें, तो वो अपने पास आएगा 2 लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 जे कैप एंड लास्टली प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 के कैप। तो ये आपके पास वेक्टर ए ए डैश आ गया, आपके पास ये पॉइंट ए डैश था। अब ए ए डैश वेक्टर जो अपनी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, हम लिख सकते हैं ए ए डैश इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो यानी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये वेक्टर अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये इसके डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 जे कैप प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 के कैप। इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन यानी कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप के साथ, तो बेटा इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। तो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड सॉल्व करते हैं तो फाइनली अपने पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 1। एंड वंस अगर अपने पास लैम्डा आ चुका है, तो अगर हमें अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखना था, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया बेटा, 2, 5, 7 राइट। लैम्डा की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर इजिली अपने पास निकल गया, ये पॉइंट आ गया आपके पास 2, 5, 7। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं बिटवीन ए ए डैश के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट, जब अगर आपको इमेज ऑफ पॉइंट निकालनी है, तो लेट से इमेज ऑफ पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया ए डबल डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। अब आपको पता है कि ए डैश विल बी मिड पॉइंट होगा, विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए ए डबल डैश। ए डैश जो होगा वो ए डबल डैश का मिड पॉइंट होगा, तो यहां से मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर हम लगा दें, एक्स डैश प्लस 3 बाई 2 आपके पास 2 आएगा, कॉमा वाई डैश माइनस 1 बाई 2 आपके पास 5 आएगा, एंड लास्टली जेड डैश प्लस 11 बाई 2 आपके पास आ जाएगा 7। तो यहां से आपके पास एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश की भी वैल्यू आ गई, तो आपको अब इमेज ऑफ पॉइंट भी मिल चुका है। नेक्स्ट चाहिए आपको इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट। अब बेटा ये आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए डैश भी है, पॉइंट ए डबल डैश भी है, आपको बेसिकली सिर्फ दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, तो यहां से आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो सिंपली लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट एंड अ लाइन के बारे में हमने बात की। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो बेसिकली इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले तो अगर लाइन पैरेलल हो, सबसे पहले इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइन आपको बेसिकली इस तरह से दी होंगी, पहली लाइन मान लो इस तरह से दी हुई है आपको, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एंड सेकंड लाइन आपको गिवन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो अगर आपको इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला होता है आपके पास मॉड ऑफ बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका भी हम फिर बाद में मैग्नीट्यूड ले लेंगे, एंड फाइनली पूरे का मॉड अगर हम कर दे, तो ये वैल्यू जो अपने पास बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस जो है आ जाती है। इसके ऊपर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिया हमने, बेसिकली पहली लाइन आपको गिवन है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। नेक्स्ट आपको सेकंड लाइन गिवन है r वेक्टर, ये हो गई लाइन 1 एंड ये हो गई आपके पास लाइन 2, r वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। तो बेसिकली आपको दो लाइन की इक्वेशन दी होगी, आपको ये नहीं बोला होगा वो पैरेलल है या नहीं है, आपको यहां से देख के समझना पड़ेगा, इनके डायरेक्शन वेक्टर्स को देख के समझना पड़ेगा, अगर वो प्रोपोर्शनल आते हैं तो जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। अब यहां से अपने पास सब कुछ आ गया, अब देखिए यहां से बी वेक्टर अगर आप लिखे तो आ गया 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ए वन वेक्टर अपने पास आ चुका है बेटा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, नेक्स्ट ए टू वेक्टर अपने पास आ चुका है बेटा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो फाइनली अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर यानी कि 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम ले लेते हैं a2 माइनस a1 वेक्टर बेटा हम लिखेंगे तो क्या आएगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, एंड फाइनली डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर। तो बेटा इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं और उसका फिर मैग्नीट्यूड भी अगर हमें लेना है, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालते हैं तो वो अपने पास आ जाता है बेटा
फोर आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस सेवन के कैप, इसका फाइनली हमें मैग्नीट्यूड लेना है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 9 एंड फाइनली मॉड ऑफ दिस वैल्यू। तो ये फाइनली बेटा अपने पास आ जाता है अंडर रूट ऑफ 101/3। तो ये जो है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस का जो है एग्जांपल हमने ले लिया, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह से होता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लाइन पैरेलल ना हो तो सेकंड, इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल, इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल, ठीक है, लाइंस पैरेलल नहीं है तो बेसिकली आपको लाइन वन गिवन है, इस तरह से गिवन होगी आर इज इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एंड लाइन टू आपको गिवन होगी आर वेक्टर, इसको ए वन कीजिएगा ए प्लस लैम्डा बी एंड सी प्लस लैम्डा डी वेक्टर, ये दो लाइंस आपको गिवन है। अगर आपको इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बेटा वो आपको मिल जाएगी, फॉर्मूला होता है अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी, ए माइनस सी का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस डी के साथ, एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये जो वैल्यू है इसका फाइनली हमें ले लेना है मॉड, तो ये जो वैल्यू है अपनी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइंस विच आर नॉट पैरेलल जो है आ जाएगा। अगर यहां से अगर हमें पता चलता है इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस जो अपनी लाइंस हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर जो डिस्टेंस है अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो यहां से बेटा आपको सिंपली पता चल देना चाहिए कि लाइंस आर स्क्यू, ये जो लाइंस आ जाएंगी स्क्यू लाइंस आ जाएंगी। अगर पैरेलल नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर पैरेलल है तो बेटा वो दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, तो पैरेलल के लिए तो आपको पिछला फॉर्मूला यूज करना है, और नॉन पैरेलल के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करना है। तो यहां से क्लियर हो गया अपन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइंस कैसे किस तरह से निकालते हैं। तो इसके बाद अब अपने पास आता है जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है, वो आता है कोप्लेनरिटी ऑफ दो लाइंस। दो लाइंस कब कोप्लेनर हो सकती हैं? कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, ठीक है। तो बेसिकली दो लाइंस तभी कोप्लेनर होती हैं, फर्स्ट केस इफ दे आर पैरेलल, इफ दे आर पैरेलल, या तो वो पैरेलल हो, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो वो हमेशा कोप्लेनर रहेंगी। और सेकेंड कंडीशन जो सेकेंड जो केस हो सकता है कि दो लाइंस कब कोप्लेनर हो, तो जब वो इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड अगर वो पैरेलल हैं तो वो लाइंस जो हैं वो कोप्लेनर हो जाएंगी, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए बेसिकली आप यही फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने पास जीरो आ जाता है तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये अपना लाइन का जो है पार्ट जो है खत्म हो चुका है, नेक्स्ट हम चलते हैं प्लेन पे। तो अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली एक प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें बहुत ज्यादा, सिर्फ दो ही चीजें चाहिए होती हैं, बेसिकली हमें दो चीजें हमेशा इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी। एक तो हमें चाहिए होता है पॉइंट, एक पॉइंट चाहिए होता है, सेकेंड हमें चाहिए होता है नॉर्मल वेक्टर, अ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। अगर ये दो चीजें अपने पास है तो बेटा आप किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इन नॉर्मल फॉर्म में अगर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना चाह रहे हैं, तो नॉर्मल फॉर्म में बेसिकली अगर आपको दिया हुआ है कि एक एन वेक्टर है इज नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, एंड आपको गिवन है कि डी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, तो ये दो चीजें दी हुई है। तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म बेटा इस तरह से लिखेंगे, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी वो आ जाएगी अपने पास आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू प्लस और माइनस डी। आर डॉट एन कैप यानी कि यूनिट वैक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, यूनिट वैक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है अपने पास, ये होती है अपने पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, और ये हमने लिखी है वेक्टर फॉर्म में। तो अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में चाहते हैं तो आप r वेक्टर को सब्स्टिट्यूट कर दिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड लास्टली जो आपके पास n कैप है तो हमने मान लिया, लेट से अपना n कैप आएगा एल आई कैप प्लस एम के कैप प्लस एन जे कैप। तो अपने पास जो इक्वेशन आती है इन कार्टेशियन फॉर्म, वो अपने पास आ जाएगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू
प्लस और माइनस डी। अब बेटा यहां से दो दो आपके पास इक्वेशन आती है, देखिए एक तो प्लस डी के साथ आएगी, एक माइनस डी के साथ आएगी। बेसिकली रीजन क्या है कि अगर एक प्लेन है आपके पास जिसका डिस्टेंस डी है फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो एक तो इस साइड भी हो सकता है और एक वो दूसरे साइड भी हो सकता है, तो इसलिए आपको दो इक्वेशन मिलती है अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी हो तो। ठीक है, तो इस पे एक बेसिकली हम एक छोटा सा एग्जांपल भी जो है ले सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल लूं तो आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, तो दी हुई है आपको 4/√14 units, ठीक है, एंड आपको जो नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 2i cap + j cap - 3k cap। आपको इक्वेशन निकालनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज डी, ये दिया हुआ आपको ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है एंड ये वेक्टर आपको नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एन कैप, अगर हम एन कैप निकालें तो अपने पास आ जाएगा बेटा 2i cap + j cap - 3k cap डिवाइडेड बाई √2² + 1² + 3² दैट इज 1/√14 इनटू एन वेक्टर। तो फाइनली इक्वेशन अगर हमें चाहिए तो इक्वेशन बेटा अपने पास आ जाएगी √14 × 2i cap + j cap - 3k cap = + and - 3। डिस्टेंस अपने पास है 4/√14, तो रूट 14 से ये रूट 14 तो जो है बेटा कैंसल आउट हो जाएगा एंड अपने पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी √2i cap + j cap - 3k cap = + or - 4। अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो आप r वेक्टर को लिख दिए xi cap + yj cap + zk cap, तो वहां से आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी (2x + y - 3z) = + and - 4। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में भी हमने प्लेन की इक्वेशन निकाल दी एंड कार्टेशियन फॉर्म में भी हमने प्लेन की इक्वेशन जो है निकाल दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज जो अपने पास, सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन अपने पास प्लेन की आती है, तो वो आती है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है ax1, y1, z1, ठीक है, इसका हमने पोजीशन वेक्टर भी मान लिया बेटा, ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है। बेटी बेसिकली पोजीशन वेक्टर हम इसलिए मान रहे हैं कि हम इसकी वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन जो है लिखनी पड़ेगी, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर एन वेक्टर = ai cap + bj cap + ck cap। तो हमें एक ऐसे इक्वेशन, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो पॉइंट ए से पास हो रहा है एंड नॉर्मल है एन वेक्टर के। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है बेटा, देखिए ये आपके पास कोई भी प्लेन है, इसमें आपके पास एक पॉइंट है x1, y1, z1। तो अगर आप कोई भी जनरल पॉइंट इस पे कंसिडर करें x, y, z और इन दोनों को ज्वाइन करके कोई वेक्टर बना दें, तो इस प्लेन पे जो भी कोई भी वेक्टर होगा वो एन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस वेक्टर का एन के साथ डॉट प्रोडक्ट बेटा हमेशा जीरो आएगा। तो यहां से अपने पास जो इक्वेशन आती है वो आती है r - a vector · n vector = 0। बेसिकली r वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट हमने ले लिया r वेक्टर, और a वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a, जो हमें पॉइंट a दिया हुआ था कि ये प्लेन में आ रहा है। तो ये तो बेटा अपने पास वेक्टर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अगर आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं a (x-x1) + b (y-y1) + c (z-z1) = 0। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जनरल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। तो जनरल फॉर्म में एक प्लेन अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से दिखाई देगा ax + by + cz + d = 0, ठीक है। अगर आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दी हुई हो 3D में तो वो आपके प्लेन की इक्वेशन होती है, जहां पे a, b, c जो होते हैं वो होते हैं आपके DRs, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन भी आप बोल सकते हैं। एबीसी जो होंगे वो नॉर्मल के डीआरस होंगे, ठीक है, अगर आपको ax + by + cz + d = 0 के टर्म्स में कोई भी इक्वेशन गिवन है। नेक्स्ट अपने पास आता है थ्रू थ्री पॉइंट्स। अगर कोई प्लेन ऐसा दिया हुआ हो कि आपको वो पॉइंट ए x1, y1, z1, बी x2, y2, z2 एंड सी x3, y3, z3, इन तीन पॉइंट से पास हो रहा है, तो बेटा उसकी इक्वेशन आप सिंपली लिख सकते हैं
x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, and z3 minus z1. इसका अगर आप डिटरमिनेंट ले लो और इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक इक्वेशन आएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म की, उसको इक्वेट कर दें आप जीरो से, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्लेन। ये जो प्लेन आएगा ये प्लेन आ जाएगा आपका ए बी एंड सी पॉइंट से पास करता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म पे, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बेसिकली अगर आपको कोई प्लेन दिया हुआ, इफ अ प्लेन हैज इंटरसेप्ट्स ए कॉमा बी एंड सी ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर एक प्लेन है आपका जो ए इंटरसेप्ट दे रहा है एक्स एक्सिस पे, बी इंटरसेप्ट दे रहा है वाई एक्सिस पे, एंड सी इंटरसेप्ट दे रहा है जेड एक्सिस पे, यानी कि आपको प्लेन मिल गया, ए पॉइंट मिल गया आपको ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, बी पॉइंट मिल गया आपको जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, एंड पॉइंट सी मिल गया आपको जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी। तो बेसिकली आप इसको थ्री पॉइंट फॉर्म से भी लिख सकते हैं, और इसका अगर सिंप्लीफाइड वर्जन लिखें थ्री पॉइंट फॉर्म को सॉल्व करके जो इक्वेशन आती है आपके पास आती है बेटा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू वन। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में देखी होगी, अगर आपको वो याद है तो इसमें बस एक ही टर्म जो है वो एड हो जाता है, वो है जो थर्ड डायमेंशन जो है हमने ऐड किए 3D में आके। तो प्लेन एंड लाइन के जो फॉर्मूलाज है बेटा काफी हद तक सेम है। अगर आपको स्ट्रेट लाइंस के फॉर्मूलाज याद है, स्ट्रेट लाइंस 2D में हमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसके फॉर्मूलाज अगर याद है तो बस उसके फॉर्मूलाज में अपने को ये जेड वाला कॉम्पोनेंट एड करना, और प्लेन के फॉर्मूलाज आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। नेक्स्ट बेटा हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ बेटा ए वेक्टर, एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स बी एंड सी, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। अगर आपका कोई प्लेन है जो कि एक पॉइंट ए से पास हो रहा है, इस तरह से आपका कोई प्लेन है जो कि पॉइंट ए से पास हो रहा है, ये पॉइंट हमने मान लिया पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। और इस प्लेन, ये प्लेन दो डिफरेंट वेक्टर्स के पैरेलल है, यानी कि दो कोई भी वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर यहां लाई कर रहे होंगे। अब बेसिकली हमें एन वेक्टर चाहिए होगा, पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए, हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल वेक्टर कहां से मिलेगा, ये जो दो वेक्टर है अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो बेटा अपने पास जो है नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। वंस अपने पास नॉर्मल वेक्टर आ गया तो इक्वेशन क्या आएगी अपने पास, इक्वेशन आ जाएगी अपने पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो बेटा इक्वेशन अपने पास है ये रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। और अगर डायरेक्टली आप लिखना चाहें तो डायरेक्टली आप इक्वेशन लिख लेते हैं जैसे कि बी वेक्टर आपको दिया हो ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, एंड सी वेक्टर बेटा आपको दिया हो ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, एंड जो ये ए पॉइंट है अगर ये आपने ले लिया एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप लिखेंगे एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, नेक्स्ट ए वन बी वन सी वन, नेक्स्ट ए टू बी टू सी टू। इस पूरे का डिटर्मिनेंट अगर आप निकाल के इसको इक्वेट कर दें जीरो के तो ये भी आपके पास इक्वेशन जो आएगी ये कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी, ये कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, और ये जो हमने लिखा था ये वेक्टर फॉर्म में लिखा था, ठीक है। तो ये बेटा अपने पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स बी एंड सी से अपने पास आ जाती है। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, अपने पास आता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड अ लाइन। एक ऐसा प्लेन जो एक पॉइंट से पास कर रहा हो, पॉइंट हमें गिवन हो और हमें लाइन भी गिवन हो। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, इस तरह से कोई प्लेन गिवन होगा आपको, इसमें आपको एक पॉइंट गिवन है, लेट से ये पॉइंट ए है जिसके पोजिशन वैक्टर है ए वैक्टर, एंड आपको एक लाइन गिवन है, तो लेट से लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है आर इज इक्वल टू
सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो इस सी वेक्टर यानी कि ये सी पॉइंट से पास हो रही होगी, नेक्स्ट इसके जो डायरेक्शन है ये आपको बी वेक्टर जो है दे देगा, इसका जो डायरेक्शन मिलेगा आपको ये बी वेक्टर से मिल जाएगा। तो बेसिकली आपके पास पॉइंट तो ऑलरेडी दो दो है, एक सी पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट सी है, एंड आपके पास एक पॉइंट ए वेक्टर जिसकी पोजिशन वेक्टर है। तो पॉइंट तो आपके पास दो है, बेसिकली आपको चाहिए अब नॉर्मल वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर बेटा मिलेगा अगर हम ए को सी से ज्वाइन कर दें, तो एक वेक्टर और मिल गया हमें इस प्लेन में। तो किसी भी प्लेन में अगर अपने पास दो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले ले तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है। तो यानी कि नॉर्मल वेक्टर हमें मिल जाएगा बेटा बी वेक्टर का क्रॉस अगर हम कर दें सी माइनस ए से। तो अगर वंस अपने पास नॉर्मल वेक्टर आ गया तो इक्वेशन कैसे आ जाएगी अपने पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो अपने पास आ जाएगी r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b क्रॉस c माइनस a इक्वल टू जीरो। इसको आप डायरेक्टली पहले n वेक्टर निकाल के इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इसको n वेक्टर लिख दें, n वेक्टर निकाल के बस n वेक्टर एंड वन पॉइंट अपने पास है तो आप आराम से इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू टू पैरेलल लाइंस, कोई भी दो पैरेलल लाइन अगर आपके पास किसी प्लेन में गिवन हो तो उस प्लेन की इक्वेशन आप किस तरह से लिखेंगे। तो बेसिकली मैंने ये प्लेन मान लिया, यहां पे एक लाइन ये मान ली, एक लाइन ये मान ली, इस लाइन को इक्वेशन हमने दे दिया r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। सिंस ये दो लाइन पैरेलल है तो इसकी हमने मान ली r वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये पॉइंट a से पास हो रही होगी, ये लाइन जो है ये पॉइंट जिसके पोजिशन वेक्टर c है उससे पास हो रही होगी, इस लाइन की डायरेक्शन b वेक्टर, इस लाइन की भी डायरेक्शन b वेक्टर। तो बेसिकली हमें एक वेक्टर तो b वेक्टर मिला हुआ है, पॉइंट्स हमारे पास दो हैं, तो अगर हम a और c को ज्वाइन करके एक वेक्टर लिख देते हैं तो दो वेक्टर हमें प्लेन में मिल गए। अगर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने ले लिया तो n वेक्टर अपने पास बेटा यहां से मिल जाएगा c वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अगर हम कर दें तो अपने पास नॉर्मल वेक्टर जो है उसके drs मिल जाएंगे। वंस अपने पास नॉर्मल वेक्टर के drs मिल गए तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरह से अगर दो पैरेलल लाइन गिवन हो किसी प्लेन में तो आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट अपने पास आता है एंगल बिटवीन एनी टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो बेसिकली आपको दो प्लेन गिवन हो, मान लीजिए इस तरह से एक प्लेन ये है आपके पास एंड अनदर प्लेन इस तरह से कुछ है आपके पास। तो बेसिकली अगर आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा बेटा वो इसका अगर मैंने नॉर्मल वेक्टर मान लिया n1, इसका मैंने नॉर्मल वेक्टर मान लिया n2, तो मैं लिख देता हूं इफ प्लेन्स हैव n1 एंड n2 वेक्टर्स एज देयर नॉर्मल वेक्टर्स देन एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज एंगल बिटवीन the planes is given by, so angle between the planes beta aapko mil jayega cos theta is equal to n1 dot n2 divided by magnitude of n1 into magnitude of n2 and iska complete mod le lenge to ye jo aapke paas aayega ye aapke paas aa jayega acute angle between the planes। clear hai, basically अगर दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो हम उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल निकाल दे तो वो अपने पास एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स आ जाता है। तो यहां से इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, बेसिकली अगर दो प्लेन पैरेलल हुए तो यानी उनके जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो भी आपस में पैरेलल होंगे, तो हम लिख सकते हैं एन वन वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ एन टू वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ एन टू वेक्टर। ठीक है, और अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स के लिए बेटा क्या आ जाएगा एन वन डॉट एन टू, ये जो आएगा इन दोनों के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाएगा। तो आई होप एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं। बेटा एंगल बिटवीन अ प्लेन के बाद जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अब एक पॉइंट है ना प्लेन के बीच में, हमारे पास बहुत सारी चीजें जो है पूछी जाती है, तो एक पॉइंट है ना प्लेन की हम एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली हमें पूछा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट,
है, तो ये सारी चीजें हमें पूछी जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर आपके पास कोई भी प्लेन गिवन है इस तरह से ax प्लस by प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू जीरो, ये आपके पास प्लेन गिवन है एंड आपके पास एक पॉइंट गिवन है x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जो आपके लिए एक लाइन, जो हमने 2D में लाइन के लिए डिस्टेंस पढ़ा था किसी पॉइंट के साथ, वही अगर आपको याद हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c². नेक्स्ट अगर आपको इमेज निकालनी है, इमेज से पहले हम निकाले अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से हमने मान लिए एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बेटा वही लाइन वाली अगर हम अप्रोच यूज करें, एक्स डैश माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई डैश माइनस y1 बाई बी इक्वल टू जेड डैश माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई a² प्लस b² प्लस c² बेटा यहां पे ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अंडर रूट आता है, लेकिन जब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो a² प्लस b² प्लस c² अंडर रूट के अंदर नहीं आएगा, ये सिर्फ सिंपली a² प्लस b² प्लस c² ही आएगा। इसके बाद अगर हमने इमेज इसकी मान ली, इमेज के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए एक्स डबल डैश वाई डबल डैश एंड जेड डबल डैश, तो इमेज के लिए भी हम जो स्ट्रेट लाइन में जैसे करते थे इमेज ऑफ पॉइंट पी, इमेज ऑफ पी अगर हम निकालें तो वो अपने पास आ जाएगा एक्स डबल डैश माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस y1 बाई बी इक्वल टू जेड डबल डैश माइनस z1 बाई सी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई a² प्लस b² प्लस c². तो इस तरह से यहां से आप पहले इसको इसको इक्वेट कर दीजिए तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इसको इसको इक्वेट कर दीजिए तो y, एंड लास्टली z वाले को इक्वेट कर देंगे तो आपको z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इमेज का। इसी तरह से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा पॉइंट एंड अ प्लेन। नेक्स्ट अपने पास आता है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो बेसिकली अगर दो पैरेलल प्लेन्स है बेटा तो उनकी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी वन इक्वल टू जीरो। तो ये तो आपके पास प्लेन वन मान लीजिए, नेक्स्ट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी टू इक्वल टू जीरो, तो इसको आप मान लीजिए प्लेन टू। तो बेटा स्ट्रेट लाइन में जो हम डिस्टेंस निकालते थे बिल्कुल उसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स भी आता है। डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी डी टू माइनस डी वन का मॉड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट अगर हम कर दें तो ये अपने पास आ जाती है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल प्लेन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे अपने पास आता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी दो प्लेन होंगे, जैसे हमने लाइन में किया था लाइन में भी हमें दो एंगल बाइसेक्टर मिलते थे, ऐसे ही प्लेन्स में भी हमें एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं। तो हम सीधा लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ प्लेन वन। बेटा ये दिया हुआ है मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू जीरो, एंड प्लेन टू आपके पास दिया हुआ है बेटा मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू जीरो। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज गिवन बाय इस तरह से लिखेंगे आप a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c². ठीक है, इक्वल टू प्लस एंड माइनस, अगेन जैसे हम लाइन में लिखते थे a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a2² प्लस b2² प्लस c2², यहां पे इसको लिख लेंगे हम a1² b1² c1² तो ये जो अपने पास दो इक्वेशन आएंगी, एक प्लस के साथ आएगी एक माइनस के साथ आएगी, तो आपको दो प्लेन मिलेंगे जो किसी भी दो प्लेन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। जैसे कि हमें दो लाइंस के बीच में दो दो एंगल बाइसेक्टर्स मिलते थे, वैसे ही हमें दो प्लेन्स के बीच में दो एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, और फॉर्मूला उसी तरह है, बस जेड कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स्ट्रा आ चुका है। अब इसके बाद एक सवाल और आता है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन वो कैसे आप निकालेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन के लिए बेसिकली आपके पास मान लीजिए दो प्लेन्स हैं, लेट्स से 2x प्लस 3y माइनस जेड
प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड आपके पास प्लेन है 3x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू जीरो. तो फर्स्ट स्टेप होता है अपने पास, स्टेप वन मेक कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव. कॉन्स्टेंट्स को पॉजिटिव बनाइए. कॉन्स्टेंट को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो ये इसी तरह आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इक्वल टू जीरो. तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव बनाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, माइनस 3x माइनस y माइनस 2z प्लस 8 इक्वल टू जीरो. एक बार हमने कॉन्स्टेंट्स को पॉजिटिव बना दिया तो अपने पास एंगल कंटेनिंग ओरिजिन का जो बाइसेक्टर मिलता है वो बेटा इस तरह मिलेगा. सबसे पहले 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो प्लस साइन वाला होगा बेटा वो आपको एंगल बाइसेक्टर दे देगा एंगल कंटेनिंग ओरिजिन का. तो ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस y माइनस 2z प्लस 8. यहां पे ध्यान रखना है आपको कन्वर्टेड इक्वेशन लिखनी है जिसमें आपने जो कांस्टेंट है उसको पॉजिटिव बना दिया है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 4. तो इस तरह से बेटा आप लोग निकाल सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन कैसे आता है. इसके बाद दो चीजें और आती हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है. तो बेटा मान लीजिए आपके पास दो प्लेन गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू जीरो. तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप वन मेक d1 एंड d2 पॉजिटिव. d1 एंड d2 को आपको बनाना है पॉजिटिव, उनका साइन पॉजिटिव कर देना, कोफिशियंट पॉजिटिव कर देना है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपके पास, आपको फिर निकालना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. अगर बेटा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो प्लस साइन वाला, प्लस साइन गिव्स ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जो प्लस साइन वाला होगा वो आपको ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर दे देगा. एंड इफ, तो दो केस बना लेते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू आपके पास बेटा लेस देन 0 आ गई तो जो प्लस साइन वाला है, प्लस साइन विल गिव द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और यहां से प्लस साइन का मतलब बेटा ये है कि अगर हम इसके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखे तो इस तरह से बनेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. ऑलराइट, तो ये जो प्लस साइन वाला जो होगा ये अपने को ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कब देगा, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ग्रेटर देन 0 आ जाए. ध्यान ये रखना है कि आप यहां पे जब भी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहां पे हमने d1 एंड d2 को पॉजिटिव बनाने के बाद वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करनी है, आफ्टर मेकिंग d1 एंड d2 पॉजिटिव. वो जो इक्वेशन आई है बेटा हमें वो सब्स्टिट्यूट करनी है, ओरिजिनल इक्वेशन सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है. तो फिर उसके बाद तो आपको एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर जो है वो इस तरह से मिल जाएंगे. चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है, वो एक लाइन एंड अ प्लेन के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, लाइन एंड अ प्लेन. तो सबसे पहले आता है कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई ऑन अ प्लेन. टू लाई ऑन अ प्लेन, एक लाइन किसी प्लेन पे बेटा कब लाई करेगी, तो उसके लिए अपने को दो चीजें देखनी पड़ती है. देख लीजिए, बेसिकली आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक लाइन है जिसके जो एक पॉइंट ए से पास हो रही है जिसका डायरेक्शन वेक्टर बी है. बेसिकली लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है ए प्लस लैम्डा बी, और यहां पे आपके पास इसका नॉर्मल वेक्टर है एन. तो इसके लिए दो कंडीशन आपको देखनी है, लाइन विल लाई ऑन द प्लेन. ऑन द प्लेन, लेट्स से प्लेन है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो. ये जो पॉइंट ए है ये आपके पास x1, y1, z1. तो लाइन विल लाई ऑन द प्लेन इफ, सबसे पहली कंडीशन तो बेटा ये है कि x1, y1, z1 ये जो है सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर ये पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है और लाइन प्लेन पे लाई कर रही है तो बेसिकली ये पॉइंट भी प्लेन पे लाई करना चाहिए. तो यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ax1
प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपने पास आना चाहिए जीरो। और जो सेकंड कंडीशन आती है बेटा, इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है बी वेक्टर, वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए अपने एन नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन के, दैट इज बी डॉट एन की वैल्यू आपके पास जीरो आनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, दोनों की दोनों सेटिस्फाई होनी जरूरी है, तब हम कह सकते हैं कि जो लाइन है वो प्लेन पे लाई करेगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपने पास, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। तो बेटा एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन के लिए क्या करना होगा हमें, दो एक लाइन की इक्वेशन हम मान लेते हैं। लाइन की इक्वेशन बेटा हमें इस तरह से गिवन है, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। एंड लेट्स से प्लेन की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है इस तरह से, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको मान लीजिए हम आर माइनस सी डॉट एन इक्वल टू जीरो। तो अगर हमें एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन देना है तो एक्यूट एंगल जो आएगा, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन, वो बेटा इस तरह से आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी डॉट एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से सीधा, जहां पे बी वेक्टर जो है डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन आ गया, एन वेक्टर जो है वो आ गया अपने पास नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो ये तो अपने पास बेटा आ गई वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, दिस इज द फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। अगर मान लीजिए आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमने मान लिया लेट्स से जो अपने पास डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन है वो हो गया आपके पास ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। एंड जो आपके पास एन वेक्टर है वो तो पहले से गिवन है ए बी सी, तो इसके डीआर जो है वो ए बी सी है। तो अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो जो साइन थीटा आएगा वो आ जाएगा आपके पास ए ए वन प्लस बी बी वन प्लस सी सी वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। ठीक है, आप फाइनली थीटा कैसे लिख सकते हैं, थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये आपने अपने पास आ गया कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसके बाद दो चीजें और याद रखनी है बेटा अपने को, अगर लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, अगर लाइन बेटा प्लेन के पैरेलल है तो यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का वो नॉर्मल होगा लाइन के भी। तो यहां से हम लिख सकते हैं बी डॉट एन विल बी जीरो, बी डॉट एन विल बी जीरो। सेकेंड कंडीशन, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर यानी वो नॉर्मल वेक्टर के जो है वो पैरेलल हो जाएगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं बी क्रॉस जो एन आएगा अपने पास जीरो आ जाएगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है फॉर एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। अगर लाइन पैरेलल टू द प्लेन है तो बी डॉट एन इक्वल टू जीरो, अगर लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो बी क्रॉस एन इज इक्वल टू जीरो। चलिए आगे मूव करते हैं अपने पास, अब आता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, और बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, तो कोई भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन के से पास होने वाला प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लेट्स से एक प्लेन अपने पास पी वन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो। एंड प्लेन टू अपने पास गिवन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो। तो बेटा जो प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा होगा उसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं पी वन प्लस लैमडा पी टू इक्वल टू जीरो। और बेसिकली आपको एक एग्जाम्पल लेके मैं इसको बहुत क्लियर कर देता हूं कि इसका मतलब कैसे, किस तरह से हम प्लेन को निकालेंगे। तो बेसिकली मान लीजिए आपको एक प्लेन गिवन है, P1 प्लेन आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। प्लेन टू आपको गिवन है बेटा इस तरह से टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब आपको एक प्लेन निकालना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो, फाइंड अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वन एंड प्लेन टू एंड कंटेनिंग द पॉइंट 1, 1, 1। तो बेसिकली बेटा आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि ये इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2 से पास कर रहा होगा, तो उसके बाद आपको एक कंडीशन और दी होगी। बेसिकली वो कंडीशन क्यों होती है, वो आपकी लैम्डा इवैल्यूएट करने के लिए होती है। तो अगर ये प्लेन P1 एंड P2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो हम ले लेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन जो अपने पास आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन
वो अपने पास आ जाएगी पी वन प्लस लैमडा पी टू इक्वल टू जीरो। अगर हम पी वन प्लस लैमडा पी टू इक्वल टू जीरो लिखें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या दी हुई है, पॉइंट वन कॉमा वन कॉमा वन जो है अपने इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो यानी कि 1,1,1 इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन में लिख दे हम दोनों जगह, ये अपने पास आ जाएगा 1+1+1 माइनस सिक्स प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2+3+4+5 इक्वल टू जीरो। तो यहां से बेटा आपकी लैम्डा की जो है वैल्यू आ जाएगी, वंस आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई तो लैम्डा की वैल्यू को उठा के आप वापिस से इधर रख दीजिए, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन जो है आ जाएगी। तो ये तो था जब एक पॉइंट दिया हुआ, बेसिकली और भी कंडीशन दी जा सकती है कि जो आपका प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू अ पर्टिकुलर प्लेन हो, तो उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट जीरो करना पड़ेगा। तो इस तरह से ना आपको लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक ना एक कंडीशन तो दी होगी। अब इसके बाद जो है लास्ट चीज जो आ जाती है इसमें, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो बेसिकली हम इस टॉपिक को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आपको एक नॉन सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन दी हुई होगी, आपको रिड्यूस करना है, रिड्यूसिंग नॉन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन टू सिमेट्रिक फॉर्म। बेसिकली अगर आपको दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई हो और बोला गया हो कि इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन जो है वो जाती है, तो वो बिल्कुल सही बात है। आपके पास ये प्लेन मान लीजिए P1 है, ठीक है, ये प्लेन आप मान लेते हैं कि P2 है, तो अगर ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो एक लाइन के अलोंग ही होगा, राइट। तो आपको अगर उस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसको हम एग्जाम्पल से ले लेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, रिड्यूस द लाइन, इस तरह से दिया हुआ आपको x माइनस वाई प्लस टू जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स इन सिमेट्रिक फॉर्म। इसको सिमेट्रिक फॉर्म में आपको लाना है, या क्वेश्चन को क्वेश्चन इस टाइप से भी दिया जा सकता है, या तो क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछ सकता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स पी वन एंड पी टू। ये दो प्लेन से मान लीजिए ये पी वन था एंड ये पी टू था, ठीक है, तो आपके इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन भी निकालने के लिए दी जा सकती है। तो इसको सॉल्व करने का प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो हम फॉलो करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा x माइनस वाई प्लस टू जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ये मान लिया आपने इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये मान लिया आपने इक्वेशन टू। इसके बाद आपको कोई भी आइदर x और y और z इनमें से किसी एक को, एनी वन को इक्वेट करना है जीरो से, तो हमने ले लिया लेट z इक्वल टू जीरो। बेटा हमने क्या ले लिया, z को इक्वेट करना है लैम्डा के। अगर हमने z को लैम्डा ले लिया, लेट से हमने z को ले लिया लैम्डा, तो यहां से जो इक्वेशन वन हो जाएगी ये हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस टू लैमडा, एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी बेटा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस लैमडा, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, हमें x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। ये इक्वेशन मान लीजिए नंबर थ्री हो गई एंड ये इक्वेशन मान लीजिए फोर आ गई, तो फ्रॉम थ्री एंड फोर से हमें क्या करना है, फाइंड x एंड y इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। आप x और y को लैम्डा की टर्म्स में निकाले, तो अगर हम यहां से सॉल्व करके इन दोनों को ऐड कर दें पहले, तो अपने पास जो 4x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास बेटा 11 माइनस 3 लैम्डा, एंड इसी तरह से अगर हम 4y की वैल्यू निकालेंगे तो वो अपने पास आ जाएगी माइनस 9 प्लस 5 लैम्डा। तो यहां पे हमने क्या किया, x की वैल्यू को हमने लैम्डा के टर्म्स में निकाल लिया, y की वैल्यू को लैम्डा के टर्म्स में निकाल लिया, एंड z तो अपने पास ऑलरेडी हमने क्या कंसिडर किया था, लैम्डा कंसिडर किया था। अब यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म्स में, तो अपने पास आ जाएगी 4x माइनस 11 बाय माइनस 3। अगर हम y के टर्म्स में निकालेंगे तो बेटा वो आ जाएगी 4y प्लस 9 बाय 5, एंड z के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहें तो आ जाएगी z माइनस 0 बाय 1। तो बेटा ये जो अपने पास इक्वेशन आ गई है, ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ चुकी है, बिल्कुल, है ना। x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी के फॉर्म में ये जो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो यही होगी,
एंड सिमेट्रिक फॉर्म भी इक्वेशन ऑफ लाइन की वो यही होगी। तो इस तरह से एक प्रोसीजर होता है आपको अगर दो प्लेन के इंटरसेक्शन को निकालना हो तो। ठीक है, तो बेसिकली बेटा इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की सारा का सारा 3D। ठीक है, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सब हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, वही आपकी जो है स्पीड बढ़ाएगा और वही आपको जो है कॉन्फिडेंस देगा। तो आई होप कि आपको जो ये सेशन है ये हेल्पफुल लगा होगा, आपका 3D का मैं रिवीजन करवाने में सक्सेसफुल रहूंगा। और अगर आपको अगर आपको हेल्प मिली है इस सेशन से और आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगेन, अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी प्रोडक्ट पे सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप कोड यूज करें RYD1, जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। लेट्स क्रैक JEE विद अनअकैडमी।